सो हेलो 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 गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और रिया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल बोल का आर्क प्राइमल पिय का। और आज का ओ माय गॉड, यहाँ पे भटकना भी नहीं गलती से, यहाँ पे गलती से भी भटकना नहीं है भाई इसके पास। मैं डरे गए इससे, ये चमन से डरे हम। 60 लेवल का, वैसे भी इसको हम टेम ही नहीं करेंगे, रुको इसको मारने दो या मारे जो ना गाइस, बेस के लिए खतरा है भाई। ठीक है, बाप रे, अरे बाप रे भाई, मरने से पहले लाइटनिंग वाला अटैक देके गया है। ठीक है चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ यार, उठने की शक्ति है छीन ली मेरी उस रेक्स ने। बाकी स्वागत है आप सभी का प्राइमल फेयर के एक और नए एपिसोड में। और आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जुड़े बंदे हो गए चैनल को फटाफट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जो गाइस वो जरूर से कर देना मेरे दोस्तों। और अभी आज का ये जो एपिसोड है ये होने वाला है हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक, ओपी और सुपर से भी ऊपर वाला, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम टेम करने जाने वाले गाइस कुछ खतरनाक से और डायनोस को। अभी वो डायनो कौन से होंगे बताता हूँ आपको मैं, लेकिन उससे पहले गाइस यहाँ पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। पहली बार ये इंडोमेस रेक्स को क्या हो गया भाई, हेलो हेलो, का कौन आया था भाई, ईची ईची भाई, 14 मिलियन, ए भाई ये किसने फेंका, अच्छा इसने बम फेंका उधर फटा जाके। ठीक है भाई, मैं तभी बोलूं 14 मिलियन तो डैमेज देने वाला कोई डायनो नहीं है मेरे पास। बाद में पता चला यहाँ पे फिरॉक्स को भी रखा है मैंने, ये हमारा सिक्योरिटी सिस्टम, अगर हमसे कोई टकराएगा ना गाइस तो ये हमारा सिक्योरिटी सिस्टम उसकी बैंड बजा देगा, है कि नहीं गाइस। जेड प्लस सिक्योरिटी, बस जरा सा टच करने के लिए, उंगली करने के लिए आता भाई वो चोर पंची, उसको डायरेक्टली पेल दिया यहाँ पे। बाकी आज टेमिंग के लिए मैं अपने साथ लेके जाऊंगा गाइस हमारा डार्क एंजल, और गाइस हम लोग आज टेम करने वाले स्पेशल डायनोस। तो मेरे पास स्पेशल केबल है क्या, पहले देखा जाए, रुको गाइस पहले सामान जमान भाई फेंकने दो मुझे। भाई तुम इधर आ जाओ यार, इसके पास ना बहुत ज़्यादा भाई स्टोन है, ये स्टोन में घर पे जो ना कैसे रखना चाहता हूँ, क्योंकि स्टोन की मदद से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें वगैरह बना सकते हैं भाई। ठीक है, इसके पास जो स्टोन है ना वो मेरे को चाहिए भाई, इसके पास ये देखो भर भर के स्टोन पड़ा हुआ है कि नहीं भाई, अबे इतना स्टोन है कि मैं उठा भी नहीं पा रहा हूँ। तो कहा गया जी स्टोन को भाई बॉक्सेस के पास पहुँचाने की निंजा टेक्निक, इस तरीके से गाइस ये टेक्निक हम लोग ने आर्क असेंडेड में ईजाद करी थी। ठीक है, आर्क असेंडेड में हम लोग ने इस टेक्निक का जो है ना गाइस आविष्कार करा था। इस तरीके से हम लोग जो चीज़ें इंपॉर्टेंट वाली वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये देखो ये पता नहीं क्या रहे, क्या है ये ड्रॉप, पता नहीं भाई कौन सा आईडी में। अब ऐसा ऊपर करो मुँह अपना और सारा सामान ऐसा फेंक दो, वो सारा सामान भाई उधर आगे चले जाएगा। इसमें थैच है भाई, इसको सारे सामान को उठाओ और अभी बक्से के पास फेंकेंगे और सारा सामान बक्से के अंदर, ईजी पीजी गाइस। एक ही खतरनाक वाली टेक्निक, एक ही जबरदस्त वाली टेक्निक। चलो चलो भाई सारा सामान उठाओ और सारा सामान अभी हम डाल देंगे, खास करके स्टोन्स मुझे चाहिए थे, ये सारे स्टोन हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। डन 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 डन, चलो आ जाओ। सो आज गाइस हम लोग स्पेशल वाले डायनोस पकड़ने जा रहे हैं। मेरे पास स्पेशल केबल एक पड़ा हुआ है यार, मेरे स्पेशल केबल सारे खत्म, रुको गाइस रुको, ऐसे थोड़ी होता है भाई, 10 स्पेशल केबल और बना दो मेरे को, मैं 10 स्पेशल केबल बनाता हूँ और हम लोग चलते गाइस स्पेशल डायनोस को पकड़ने के लिए। आज मैं रेडवुड में जाने वाला, क्योंकि रेडवुड में जो है ना गाइस हम लोग को 2 या 3 नेमलेस मिल सकता है, बंदर मिल सकता है और मेगा थेरियम तो पक्का मिलेगा बफोन वाला। सो ये 3 डायनो जो है ना गाइस हम लोग को मिल सकते हैं भाई रेडवुड के अंदर। सो इसलिए मैं कसम खास रेडवुड के अंदर जो है ना गाइस यहाँ पे टेम करने के लिए जाने वाला हूँ भाई अपने डायनोस को। देखते हैं गाइस बफोन स्पेशल डायनोज जो है गाइस हमारे स्पेशल केबल से टेम होने वाले बफोन डायनोज वो हम लोग को वहाँ पे मिलते हैं कि नहीं। और आते वक्त जो है गाइस आर्टिफैक्ट वर्टिफैक्ट जो है गाइस वो भी लेके आ जाऊँगा मैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और केबल वगैरह बने कि नहीं देखते, तो जैसे केबल बनेंगे वैसे ही गाइस हम लोग चलेंगे गाइस यहाँ पे टेमिंग करने के लिए, लेट्स गो बॉयज। ओके, और गाइस आज जितने भी बफोन डायनो जो स्पेशल केबल से टेम होते हैं जो मैंने अभी तक पकड़े नहीं है, लाइक टेरर बर्ड बफोन वाला और बफोन फ्यूरॉक्स को छोड़ के जो भी डायनो मुझे गाइस आज दिखेगा उन सारे डायनोज को टेम करने का काम आज के इस एपिसोड में तुम्हारा भाई करने वाला है। ठीक है, A to Z डायनो को टेम करूंगा मैं। ऑलराइट, आ जाओ चलो। अभी पहले तो गाइस हम लोग बैठ जाते हैं हमारे प्यारे प्यारे से पेगासस के ऊपर और चलते गाइस उड़ उड़ के पहले भाई रेड ऑब्लिक पे। सबसे पहले चलेंगे हम लोग रेड ऑब्लिक पे, क्योंकि रेड वुड में हम लोग को भर भर के बफोन वाले क्रिएचर मिलेंगे। हाई लेवल वाला ही टेम करूंगा मैं, लो लेवल के चाहिए ही नहीं। ठीक है, और कोई उंगली करने आएगा तो इससे भाई डार्क एनर्जी बॉल वाला जो अटैक है उससे पेल दूंगा मैं। देखो ऐसा गेम ओवर भाई,
सीधा गेम और बहुत गंदा मारता है कि सपने ये प्यारा सा भाई फेगस चीज भाई दिखने में भले भाई क्यूट लगता हूँ बट इसके डैग बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है जमीन पे देखने बफोन वाले डायनो बफोन मेगाथेरियम बफोन नेमलेस बफोन मिसोपिथेकस आई थिंक से उसका नाम है या मेगापिथेकस ये कुछ तो नाम है बफोन वाला उनको चेकआउट करना है मुझे देखना है कैसे आगे पे दिख रहे कि नहीं। यहाँ पे तो मुझे भाई रिपर शिपर दिखाई दे रहे रिपर को भाई पेलता हूँ मेरे को मारने के लिए आ रही थी मैंने इसकी बैंड बजा दी और कुछ है भाई यहाँ पे थोड़ा रेडवुड पूरा चेक करना है भाई रेडवुड में मिलेंगे पक्का गाइस पक्का 100% मिलेंगे रेडवुड में पूरा रेडवुड चेक करते करते जाना है मुझे। हाँ बस इस बात का ही देखो मेगाथेरियम मिल गए बफोन मेगाथेरियम की बारी है बस ये देखो ये मेगाथेरियम है ना गाइस इसका बफोन वेरियंट चाहिए मेरे को जब हम लोग को रेडवुड में मिल जाएगा उसको ढूंढना बाकी है भाई ढूंढना बाकी कहाँ पे भाई मिलेंगे पूरा रेडवुड जान लूंगा बट गाइस बफोन वाले कम से कम भाई दो बफोन बंदर लेवल भाई अबे लेवल दिखा जल्दी से 145 लेवल अब भी डेम करता हूँ अब भी भाई आग लगा रखी इसने इजी पीजी लेट्स गो आग में नहीं जाना और यहाँ पे भी आग लग रखी है यहाँ पे भी कोई बफोन वाला डायनो हो सकता है देखूंगा रुको मैं पहले इसकी ये वाली आग पूछने दे और की काम नहीं कर रहे डार्क एनर्जी बॉल खाएगी बेटवा डार्क एनर्जी बॉल खाएगी अल्फा रिपर फ्लावर समझिएगा मेरे को फ्लावर समझिए पेल दिया भाई पेल दिया ये रहा 145 लेवल का बफोन की गातो पे देखो अपना बंदर रिक्रूट क्यूट सा ये ले टेबल पर ले भाई हो जाते 77% येल्लो डर्टी येल्लो कलर का भाई बंदर मिल चुका है भाई बफोन वाला इसको क्राइव करूँ पहले चलो आ जाओ यहाँ पे आपके गोली जो है वो गिरा रहा था कोई तो मे बी यहाँ पे अरे बफोन टेरर बढ़े यार लगा ही था मेरे को ये देखो कितने लेवल है देखो बफोन टेरर बढ़े और 55 लेवल का वो डिमोनिक टेरर यहाँ से निकल लेते हैं हम लोग ठीक है यहाँ पे हमारे लाइक कोई भाई खतरनाक से डायनो नहीं है बफोन टेरर बर्ड में तो कब का टेम कर चुका हूँ ना तो उसको टेम करने का कोई सेंस बनता ही नहीं है अभी कैसे हमको और बफोन वाले डायनो चाहिए यहाँ पे ऊपर जाओ नीचे जाओ ऊपर जाओ कहाँ पे जाओ समझ नहीं आ रहा चलो ये वाला सामने वाला ये जो एरिया है ना ये वाला ये पहले क्लियर करते फिर डायरेक्टली हम लोग ऊपर चलेंगे ठीक है गाइस लेट्स गो ये वाला एरिया जो है पूरा का पूरा हम लोग क्लियर करेंगे बफोन मेगाथेरियम भी मिल गया भाई मेरे को 150 लेवल भाई लेट्स गो ये देखो 150 लेवल का बफोन मेगाथेरियम भी मिल गया भाई फुल मजे ही मजे एक और बफोन ढूंढू एक और ढूंढने की कोशिश करता हूँ मैं एक काम करते भाई एक और बफोन ढूंढने की कोशिश करेंगे इन बफोन के ऊपर बैठ के अभी भाई आ जाओ ऐसा करते इनके लेवल अप शेवल अप भी हो जाएगी इनके अटैक्स भी आप लोग देख लोगे और गाइस रिपर तो नहीं है ना यहाँ पे नहीं है चलो भाई डालो इसके अंदर डालो भाई चीज़ें डालो भाई जल्दी डेम हो जा भाई भाई तीन केबल खा गया भाई टेम नहीं हुआ तीन केबल में डेम हो गया भाई चलो लेट्स गो ओह यस इसके ऊपर पहले राइड कर लूँ मैं इसके ऊपर राइड करने के लिए साइडल की जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है और बफोन को ढूंढूंगा मैं जितने बफोन आज मिलेंगे उन सारे बफोन को पकड़ने का काम करेगा तुम्हारा भाई गाइस आज के इस एपिसोड में दो बफोन तो पकड़ लिए एक एक गाइस हमारा ये वो ये भी येल्लो कलर का मिला है ये थोड़ा सा लाइट येल्लो कलर का मिला है हम लोग को फीका फीका है इसका येल्लो कलर और आप देख सकते हो ये गाइस हमारा बफोन मेगाथेरियम इसने अपने सर पे पेंट रखा है दोनों रेक्स का जो है गाइस वो हेड और इसके भाई पीठ के ऊपर ना जो चींटियां होती है ना उनके भाई घर लगे हुए हैं चींटियों के घर लगे हुए हैं भाई सीधा सीधा भाई देख रहे हो और उसमें से निकल रही है आग भाई और इसने अपने हाथ पे जो ना गाइस देख रहा है पाइक लगा रखे पाइक्स भाई अगर इसके हाइट कंपेयर करें ना हम लोग हमारे से तो ये देखना भाई हाइट के मामले में भाई बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई देखो साइज देखो भाई बहुत ज़्यादा ही जो ना गाइस बड़ा है अपने बफोन में खाते रहे हम ठीक है अभी तो पहले इसकी लेवल अप होगी भाई कितने लेवल अप आ चुकी है भाई हेल्थ कितनी करी जाए इसकी 10 मिलियन कर लूँ गाइस 15 मिलियन के बारे में सोच रहा हूँ मैं 15 मिलियन भाई की हेल्थ करता हूँ रुको भाई की हेल्थ होगी 15 मिलियन भाई की हेल्थ होगी 15 मिलियन आग वाले अटैक से मार दूंगा उसके अटैक दिखाता हूँ मैं आपको इसके पास कौन कौन से अटैक है दिखाता हूँ रुको पहले 15 मिलियन हेल्थ करी जाए हीलिंग पोशन डाल दूँ और मिली डैमेज में कौन अभी मैं दिखाता हूँ गाइज कि हमारा ये जो बफोन मेगाथेरियम है ना गाइज इस बफोन मेगाथेरियम के पास कौन कौन से अटैक है पहला अटैक है ऑफकोर्स बाइट करने वाला अटैक दूसरा जो अटैक है अपने दोनों जो हाथ है ना जो जमीन पे पटकने वाला अटैक है जोर से ले बैठा भाई
ठीक है, और इससे ये फाइबर वगैरह, फाइबर नहीं बेरी वगैरह भी कलेक्ट करता है। ये दूसरा अटैक है, स्टीप है। अब भाई मुंह से और कैसे अपने पीठ के अंदर से आग छोड़ने वाला अटैक है, देखना कैसे। देखो ये देखो, ये देखो अपने पीठ से, पीठ पे जो कई चींटियों के घर बने पड़े उनमें से, और अपने मुंह में से जो है तो आग छोड़ रहा है खतरनाक वाली। ओ भाई, उसके बाद क्यू और आर पे कोई अटैक नहीं, मतलब इतने अटैक है, बाइट अटैक, पंजे मारने वाला अटैक, और भाई ये लो मुंह से फायर छोड़ने वाला अटैक, और भाई पीठ से फायर छोड़ने वाला अटैक, ये अटैक है इसके पास। रुको इसको मैं उठाने दो, बनी को फेंक दिया था गलती से मैंने। चलो आ जाओ भाई, अभी कैसे इसका डैमेज देखते भाई, अभी चेक करेंगे भाई का डैमेज, डैमेज कैसे। चलो मार दो इसको, मार पाऊंगा मैं अभी, इजी भाई। सिलेस्टियल को तो मक्खन की तरह काट दिया है, बेलो मरना है, मरना है, डर नहीं लगता, डर नहीं लगता रिपर तेरे को, डर नहीं लगता। अरे यार मेरा फायर अटैक का कूलडाउन है, लेकिन भाई फायर अटैक का कूलडाउन है मेरे, अरे फायर अटैक करना, इज नॉट डूइंग द फायर वाला अटैक, अबे फायर अटैक करना, अबे फायर अटैक क्यों नहीं कर रहा, फायर अटैक अभी करा है फायर अटैक इसने जाके भाई, अभी फायर अटैक करा है भाई, क्या गुंडा बनेगा रे तू, उतने डाम से बोल रहा था तब नहीं करा भाई, अभी एंड में जाके इसने फायर अटैक करा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी जल्दी से जो ना कि सब लोग इसको लेके चलते हैं इस पहाड़ी के ऊपर भाई। रेड आ रही, हाँ मेगा क्रिम जब चीटियों को मारता तो इसका डैमेज डबल ट्रिपल हो जाता है, भूल गया था मैं, मैंने अभी जब चीटियों को मारा है डैमेज 1.7 मिलियन, लेट्स गो मैक्स लेवल भाई, इसकी मैक्स लेवल करी जाए। ए गाइस एक्सपी पोशन डाल देता हूँ और जल्दी से मैक्स लेवल करता हूँ भाई की। ओके मैक्स लेवल हो चुकी है, हेल्थ दिखा देता हूँ गाइस सबको इसकी कितनी है भाई, ठीक है। हेल्थ की बात करें तो बुफॉन मेगा थ्रीम की 15.3 मिलियन हेल्थ है, ठीक है 15.3 मिलियन। अभी गाइस इसका डैमेज देखो, बाइट वाले अटैक का डैमेज 7 लाख का, ठीक है 7 लाख का बाइट वाले अटैक का डैमेज जा रहा है, ठीक है। वो जो अपना क्या बोलते हैं उसको, लेजेंडरी पेगासस, उससे ज़्यादा डैमेज है भाई, लेजेंडरी पेगासस से उससे ज़्यादा डैमेज है भाई, ठीक है। और बुक्के वाले अटैक का, बुक्के वाले अटैक का डैमेज देखने के लिए रुको यार, जब तक इसका बफ है ना ये बहुत गंदा मारेगा भाई, बफ है तब तक बहुत गंदा मारेगा। इसका 9 लाख डैमेज, और फायर वाले अटैक का भाई मर गया बेचारा भाई, कुछ कर पाए उससे पहले मैंने उसकी बाढ़ बजा दी। फायर वाले अटैक का 1 मिलियन का डैमेज जा रहा था मेरे हिसाब से, 1.8 मिलियन का गाइज, 1.8 मिलियन का फायर अटैक का डैमेज जा रहा है, इससे हम लोग कंटिन्यूस मार सकते हैं गाइस। इससे एक ओरिजिन को पहले क्या गाइस, आ जाओ भाई, ये कौन है भाई, अरे ये तो अपना बंदर ही है, इसको मैं टेम कर चुका हूँ, नहीं चाहिए बंदर ही है गाइस। रुको एक काम करता हूँ, मैं बुलाता हूँ रेक्स को, मैं बुलाता रेक्स को, रेक्स को मारेंगे हम लोग इसके फायर अटैक, डरेगा अरे डरेगा चीज करेगा यार, फायर अटैक क्यों नहीं कर रहा, फायर अटैक क्यों नहीं कर रहा। अबे यार इन सारे बफॉन टाइनों का यही सीन है क्या, कि इनको कोई अगर मारते रहेगा तो अटैक नहीं करेंगे, ये गलत सीन है भाई इनका, बहुत ये बहुत गलत सीन है भाई इनका, अगर कोई इनको मारते रहेगा ना तो ये अटैक नहीं करेंगे भाई, ये बहुत ज्यादा गलत सीन है भाई इनका, इसलिए कैसे अटैक नहीं कर रहा भाई। लो भाई आधा हो गया डैमेज, क्योंकि मेरे भाई चीटियों वाला बफ खत्म हो गया, रेक्स को भाई मारने के लिए बुला के मैंने गलती थोड़ी कर दी कहीं पे यहाँ पे। अबे यार रेक्स भाई, रेक्स भाई थोड़ा टैम्पलिस दोगे, टैम्पलिस का डैम टैम्पलिस, रेक्स भाई टैम्पलिस, थोड़ा थोड़ा चीटियों को ढूंढ के मारने दो ना यार, फिर मैं तुमको दिखाता मेरी पावर, अभी क्या मैं पावर नहीं दिखा सकता हूँ यार। ऊपर से रेक्स मार रहा है ना तो ये अपना फायर वाला अटैक नहीं कर पा रहा, ये फायर अटैक नहीं कर सकता अगर कोई इसको मारते रहता है तो भाई, ये तो बदतमीजी है भाई, फिर भाई ऐसे तो भाई रेक्स को मारने में मुझे 400 साल लग जाएंगे। रेक्स भाई चीटिंग मत करो भाई, रेक्स भाई चीटिंग ना करो, रेक्स भाई चीटिंग ना करो, मार खाने क्या, रुको आगे मैं थोड़ी चीटी शीटी को मार के आता, थोड़ा चीटियों शीटियों को मार के आता, रेक्स मेरा पीछा कर रहा है भाई, चीटियाँ मिल जाए जल्दी, रेक्स मुझे मारने के लिए आ रहा है भाई। ओके रेक्स आ रहा है क्या पीछे, नहीं आ तो नहीं रहा, वहीं पे रुक गया। रेक्स को हम लोग दूसरे बंदर से मारेंगे, हाँ गाइस इसका अटैक जो है ना थोड़ा सा सीन है, अगर कोई इसको मारता है ना तो ये अपना ये फायर वाला जो अटैक है ना ये दे नहीं पाता भाई, ठीक है। ऐसे अगर बिना मारे हम लोग अभी ट्राई करेंगे, ये देखो कंटिन्यूस दिए जा रहा है, कंटिन्यूस दिए जा रहा है अपना अटैक, ठीक है। अगर कोई मारना शुरू कर देना
तो फिर ये अपने मुंह से फायर और पीठ से फायर छोड़ने वाला अटैक जो है गाइस वो दे नहीं पाता। ये काफी ज्यादा भाई भाई गलत बात है यार, ऐसे तो फिर कोई भी हमको मार के चला जाएगा ना गाइस, यार ऐसे थोड़ी होता है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक काम करता आपने बुफोन मेगाथेरियम तो देख लिया ना गाइस, इससे हम ओरिजिन को नहीं मार सकते क्योंकि ओरिजिन हमसे ज्यादा स्मार्ट है और ओरिजिन जो है गाइस वो कुछ ज्यादा हीरो बन रहा भाई, ठीक है। उसके अटैक्स लगातार दिए जा रहा है और उसके रीजन से मैं अपना मेन अटैक नहीं मार पा रहा हूँ। चलो कोई ना, बफोन मेगाथेरियम जो है गाइस वो काफी ज्यादा बढ़िया 1.8 मिलियन का इसका डैमेज जा रहा है। मैं इसको अभी क्रायो कर लेता हूँ, अभी निकालता हूँ मैं बाहर बफोन बंदर को, बफोन गिगांतोपिथिकस को निकालता हूँ। इसका लुक देखो भाई, फुल राड़ा मचाने की मूड में भाई, पीठ पे शील्ड लगा रखी है, दो कांटे लगा रखे स्पेयर भाई, बियर ट्रैप अपने कंधे पे लगा रखे, हाथ में पेन रखे भाई, चेन सॉ क्या गाइस, चेन सॉ काट के रख देगा भाई, मुंह पे जोकर का मास्क लगा रखा, हैप्पी बर्थडे की टोपी सर पे, और ये गाइस हमारी बफोन भाई गिगांतोपिथिकस का लुक। अटैक की बात करें तो भाई के पास है नॉर्मल भाई पंच वाले कुछ अटैक्स, लिप क्लिक पे मेरे को डायरेक्टली भाई उठा के भाई फेंकने वाला अटैक, सी पे ये कांटे वाले स्पेयर फेंकने वाला अटैक, इसी से मारेंगे उस ओरिजिन को, इसी से मारेंगे गाइस रुको को, ठीक है। एक्स पे कोई एक्स पे भाई चेन सॉ भाई चलाने वाला अटैक, इसी अटैक का आवाज हमको रेडवुड के अंदर आ रहा था, चेन सॉ चलाने वाला अटैक भाई, ठीक है ऑलराइट। उसके बाद कंट्रोल पे भी एक अटैक है जिसपे भी ये चेन सॉ चलाता है, देखो या इससे चेन सॉ चलाने वाला अटैक है भाई। इसके बाद सारे के सारे जो अटैक्स है ना गाइस, मैक्सिमम अटैक वो चेन सॉ चलाने वाले अटैक ही है। तो ये अटैक है गाइस हमारी इस भाई जोकर बंदर के, पहले जोकर बंदर भाई को थोड़ी लेवलअप करके ना इसकी हेल्थ बढ़ा दूं, मैं नहीं चाहता कोई भी इसको मार के चला जाए। 8, 9, 10 भाई के 10 मिलियन तो एटलीस्ट भाई हेल्थ कर दूं मैं, ठीक है गाइस 10 मिलियन तो एटलीस्ट भाई हेल्थ रहे हमारी बफोन वाले की गांधो पिथिकस की, बाकी बचे हुए पॉइंट डाल रहा हूँ मैं इसके डैमेज में। चल भाई अभी लेवल भाई अपने वो कर ले, अब यार 40 लग गया, 800 का क्या भाई बर्निंग डैमेज तो 800 का डैमेज दे रहा है भाई, अब हंस हंस के मर जाएगा भाई रेक्स। आग तो लगा रहा हूँ मैं लेकिन ये आग का डैमेज नहीं है ज्यादा गाइस, डैमेज नहीं है, जा तो है 70,000 का इनफ डैमेज होगा, मिली डैमेज में पॉइंट डाल दो मिली डैमेज में भाई, 70,000 इनफ डैमेज नहीं है मेरे जान, हमको और डैमेज चाहिए होगा भाई को, ले मैक्स लेवल कर लूँ। नहीं यार 500 डैमेज दे रहा भाई है, इसके आग का ज्यादा डैमेज नहीं है, फिर भी हम ट्राई करेंगे गाइस, ट्राई करेंगे, आग का ज्यादा डैमेज नहीं है गाइस इसके, ये तो भाई चीटिंग है, इसके आग वाले अटैक का भाई ज्यादा डैमेज नहीं जा रहा। बाकी इसका लुक जो है ना गाइस, अगर लुक देखने के लिए हम लोग बैठे ना तो इसका लुक जो है गाइस वो काफी ज्यादा बढ़िया है, देखना दिखने में जो है ना गाइस काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है बफोन की गिगांतोपिथिकस भाई। गाइस इसके लिए भी एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, ठीक है लेट्स गो। हम लोग को अभी हमारी 300K कराने, 300K जल्दी से जल्दी, तो सब्सक्राइब ठोक देना भाई लोग अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो, बाकी अभी मैं सबकी बैंड बजा रहा हूँ। यार 2-2 लाख का डैमेज तभी पड़ेगा जब हमारा स्पेयर किसी को लगेगा, ऑटो है भाई आप, वरना बर्निंग डैमेज 500 का ही पड़ने वाला है। फिर भी मैं भाई बॉस के ऊपर ट्राई करूंगा, एक्सपी पोशन एक मिल गया, खुद को एक्सपी पोशन मिला था, इसके अंदर एक्सपी पोशन ही डाल देता हूँ, मेरे को 6 तो लेवल है पानी बाकी थी। अनदर टेरर पर अटैक भाई, चल निकल भाई, आग लगा दी थी इसने मेरे ऊपर, पाल पाल बचाओ मैं, मेरी हेल्थ देखना गाइस, मेरी हेल्थ देखना नीचे कितनी डाउन हो चुकी है। हाँ भाई बार बार बचा मैं, दे यार ये ओरिजिन रेक्स ना, ओरिजिन के ऊपर ट्राई करते हैं अपना, ये पहले मैं देख लूँ मेरे सारे अटैक का डैमेज कितना जा रहा है। पंच वाला अटैक 2 लाख का डैमेज, उतना ज़्यादा खास डैमेज नहीं है भाई, बट ठीक है। लेफ्ट क्लिक वाला भाई, लेफ्ट क्लिक में तो मेरे को उड़ा रहा है, भागो 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 भागो, ये चमन पीछा कर करके आ रहा है रेक्स मेरा, ठीक है भाई ओके। और सी वाला अटैक आग वाला अटैक है, 800 का डैमेज है भाई। एक्स वाला अटैक चेन सॉ से काटने वाला अटैक है, काट के रखने वाला डैमेज पड़ा ही नहीं, काट के रखने वाला अटैक का क्या, कंट्रोल पे भी चेन सॉ से काटता है ना ये, काट भाई ओके। 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख यही डैमेज गाइस इसका जा रहा है। चलो कोई ना, मैं अभी अपने भाई उस आग वाले अटैक से ना इस रेक्स को मारने की ट्राई करता हूँ। चलो आ जाओ गाइस, आ जाओ बड़े काटे, अबे काटे दूर चले गए, बहुत वो देखो दूर चले गए, इस पर इसके ऊपर एम लगा के मारना, एम लगा के फेंकूंगा बेटा,
450 भाई सच में है, कितना ज्यादा डैमेज भाई, मर जाएंगे भाई, सात कुश्तियां मर जाएंगे उस रिक्स की 450 डैमेज से। मजाक हो रहा है क्या भाई, क्या घटिया डैमेज जा रहा है इसका, काट वाले अटैक का मैं आग तो लगा रहा हूँ, आग में भस्म होना चाहिए था ये भाई, आग में भस्म नहीं हो रहा भाई ये तो, बिल्कुल आग में भस्म नहीं हो रहा भाई, 400 का डैमेज पड़ रहा बेचारे को भाई, तेरे से ज्यादा तो भाई मेगा तेरे हम ज्यादा डैमेज दे रहा था, क्या कर रहा भाई तू, इसके काट वाले अटैक का डैमेज ही नहीं है, ये जो स्पेयर वाले अटैक है उसका डैमेज ही नहीं है, लो भाई स्पेयर लगा के भाई, अब स्पेयर फेंक के आग तो लगा रहा हूँ मैं, भागो भाई अबे चेप देगा ये बॉस मेरे को, अबे भाग बेचे कहाँ होना है जल के कहाँ होना है बेटा तेरे को, आ जाओ मेरे भाई अगड़ी में, आ जा मेरे आग के अंदर, 400 का डैमेज नहीं यार, बिल्कुल हेल्थ डाउन नहीं हो रही है, बिल्कुल भी हेल्थ डाउन नहीं हो रही है बॉस की, कितने आग लगा रखी है मैंने, अनंत ज्योति लगा रखी है भाई, भाई भाग ए नहीं रे, नहीं 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 गाइस नहीं मार पाऊंगा मैं नहीं मार पाऊंगा भाई, भाई ओरिजिन जो है उनको मारना काफी डिफिकल्ट है भाई, ओरिजिन को बस एक ही भाई बॉस बफोन डायनो मार, दो बफोन डायनो, एक टेरर बर्ड और एक फ्यूरॉक्स, ये दो ही डायनो मार चुके हैं भाई, और कोई नहीं मार सकता भाई, भाई दूसरों के अटैक जो है उतने डैमेज देने वाले नहीं, जिनके अटैक डैमेज देने वाले उनको लगातार भाई बाइट अटैक दे दे के उनके अटैक भाई बाहर ही नहीं निकल रहे, जैसे अपना मेगा थेरियम अटैक उसको भाई वो दे रहा है भाई रिक्स बार बार लगातार, इसलिए वो अपना स्पेशल भाई ऑल डैमेज देख रहे हो बाबा, हेल्थ फुल करने दो ए गाइस, मैं मेगा थेरियम से ना रैप्टर को मारने के बारे में सोच रहा हूं यार, तू क्या मेरा घर तक पीछा करेगा क्या भाई स्टॉकर कहीं, क्या मैं घर तक पीछा करने वाला है, फॉल डैमेज से मर जाएगा भाई गिर गिर के, तो भाग ले भाई जल्दी, बच गए भाई बच गए भाई बच गए, हाँ बच गया, ऑल राइट बच गया भाई, गाइस एक 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 और चीज ट्राई करना है मेरे को, बंदर को क्राय करो पहले, बफोन मेगाथेरियम को निकालो बाहर, बफोन मेगाथेरियम भाई तुम रैप्टर को मार पाओगे, रैप्टर तो चुटकू तो नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा है, उसको मार पाओगे तुम, ट्राई करते रैप्टर को ये मार पाता है कि नहीं, रैप्टर ही पेंगुइन को मार पाता है कि नहीं भाई, ठीक है पेंगुइन को बुला दो, पेंगुइन तो स्लो होता है बहुत ज़्यादा, पेंगुइन को मारो जिंदगी सफल भाई, ठीक है मारो पेंगुइन को, भी नहीं मार पा रहा है क्या है भाई, भाई तू तो पेंगुइन को भी नहीं मार पा रहा भाई, बेइज्जती करा रहा है तू, अबे यार अटैक बीच में कट हो रहा है, सच में बीच में अटैक कट हो गया, पता है आपको बीच में अटैक कट हो गया डायरेक्टली मेरा, ये देखना कैसे, देखो मैं अटैक डाल रहा हूँ, ये देखो देख रहे हो आधी आग भाई निकल रही है बाहर और अटैक कर सीधा, ए नहीं रे नहीं नहीं रेन दो भाई रेन दो, मतलब अगर इसने अटैक भी डाला ना और किसी ने मारा इसको बीच में, अटैक कंप्लीट होने से पहले ही वो अटैक बंद हो जाता है, डिसेबल कर देता है ये, चमन है भाई मेगा थेरियम तू तो, लेकिन कोई ना यार अभी टेम कर रहे थे हम लोग को पफोन वाले डायनो तो हमने टेम कर ही लिया, उतने ज्यादा ओपी नहीं है भाई, पता चल गया मेरे को चुपचाप से अभी घर पे चला जाता हूँ मैं, इसकी तो हवा पे सिट्टी बिट्टी गुल कर दिया भाई उसने, मारना नहीं भाई मारना नहीं, पे आ चुका हूँ, सिट्टी बिट्टी गुल कर दी थी भाई, क्या कर रहा भाई तू, अरे बफोन मेगा तेरे भी उतना ओपी नहीं, और बफोन वाला भाई हमारा गिगान तो पिथिकल जो है गाइस वो भी भाई उतना ओपी नहीं, लेकिन ठीक है चलो हम लोग ने एक नहीं गाइस दो दो भाई, लो इस अरे घर पे किसकी परमिशन पे आते, अपना एरिया इधर आने का नहीं बेटा, ठीक है बाद में लेजर विजर मारता मेरे डायनो के ऊपर इसलिए उसने उसको मैंने मार दिया, ठीक है बाकी आज तुम्हारे भाई ने दो दो बफोन वाले डायनो, एक बफोन मेगा थेरियम और एक बफोन गिगा दो पिथिकस, सो ऐसे दो दो डायनो जो है गाइस वो यहाँ पे टेम कर लिया है, सो उसके लिए गाइस एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, और आपको बंदर और मेगा थेरियम में से कौन सा वाला जो गाइस बफोन वाला डायनो वो सबसे ज्यादा पसंद आया नीचे कमेंट करके बता देना, बाकी आज का जो ये वाला एपिसोड है वो जाता है ये भी खत्म, मिलते हैं तब से अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल बोल के आर्क प्रामुल फेर के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right, we
We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up.